प्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले क्लास में हमने कौन सा पाठ पढ़ा था? पाठ एक, बत्तख आई। तो इस क्लास में, इस कक्षा में हम उस पाठ की अभ्यास पुस्तिका कार्य करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास पुस्तिका कार्य। अभ्यास पुस्तिका कार्य में हम उस पाठ से संबंधित शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। सभी अपने अपने अभ्यास पुस्तिका निकालिए और अपनी अपनी पेंसिल निकालिए। चलिए, पाठ का नाम पहले लिखेंगे। पाठ का नाम लिखेंगे बत्तख आई, पाठ एक बत्तख आई, और दिनांक लिखेंगे यानी कि डेट। उसके बाद वर्ग कार्य। अब पहला प्रश्न लिखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब इस पाठ से संबंधित, बत्तख आई पाठ से संबंधित कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ हम अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पहला शब्द हम लोग करते हैं जल। पहला शब्द है जल। जल का मतलब मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में? पानी। जल का मतलब है पानी। उसी तरह बतख। सारे बच्चे, बतख। बतख है क्या? बतख एक पक्षी है। और कैसी पक्षी है? जल में रहने वाली पक्षी है। तीसरा शब्द हम लिखेंगे तट। तट का मतलब मैंने क्या बनाया था? किनारा, यानी कि किसी भी नदी या झील का किनारा। चौथा शब्द हम लिखेंगे लहर। लहर मतलब तरंग। जब नदी बहती है, जब उसमें पानी की धारा होती है, तो उसको बोलते हैं तरंग। अब हम सारे बच्चों ने लिखा, सारे बच्चों ने शब्दार्थ लिखा। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर लिखते हैं। प्रश्न उत्तर, इस पाठ में हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे कि जल पर क्या है, बतख कहाँ आई, जल पर क्या है, बतख कहाँ आई, और लहर पर कौन है। चलिए पहला प्रश्न, और ये प्रश्न उत्तर एक वाक्य में लिखेंगे। एक वाक्य मतलब पूरा वाक्य पूर्ण होना चाहिए और वाक्य के बाद एक पूर्ण विराम होना चाहिए। पूरा वाक्य मतलब मेरा नाम शालिनी है, तो ये पूरा पूर्ण वाक्य एक वाक्य में है। तो पहला प्रश्न हम लोग लिखेंगे बतख कहाँ आई। बच्चों अपने कहानी को याद कीजिए। चलिए बोलिए तो बतख कहाँ आई? बतख तट पर आई। तो उत्तर लिखेंगे बतख तट पर आई। बतख कहाँ आई? तो बतख तट पर आई। सबने लिखा पहला प्रश्न। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम लोग लिखते हैं, जल पर क्या है। तो हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा था उधर उधर जल पर लहर, अर्थात मतलब जल पर क्या है, तो जल पर लहर है। जल पर क्या है, तो जल पर लहर है। अब तीसरा प्रश्न हम लोग लिखेंगे। सबने दो प्रश्न लिख लिए हैं। चलिए अब तीसरा प्रश्न हम लोग लिखते हैं, लहर पर कौन है। लहर पर, जैसे पाठ में हमने शुरू में पढ़ा था उधर उधर जल पर लहर, लहर पर बतख। वेरी गुड। तो हम लोग क्या देखेंगे कि लहर पर कौन है, लहर पर बतख है। तो लहर पर कौन है, तो लहर पर बतख है। ये तीन प्रश्न हैं। बतख कहाँ आई, तो बतख तट पर आई। बतख जल पर क्या है, तो जल पर लहर है। लहर पर कौन है, तो लहर पर बतख है। अब चौथा प्रश्न, पाठ से चुनकर दो एवं तीन अक्षर वाले शब्द लिखेंगे। पाठ से चुनकर दो एवं तीन अक्षर वाले, मैंने पढ़ाया था ना दो अक्षर वाले, तो है त त तट। पहला अक्षर क्या है? त त तट। ये आपको खुद से लिखना है, ये आपका वर्ग कार्य है। आप अपने खुद से, मैंने एक उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया है, आपको ये शब्द खुद से आपको पाठ से चुनकर लिखना है। पाठ से चुनकर लिखना है। तट और दो अक्षर वाले शब्द क्या थे? मत मत। तीन अक्षर वाले शब्द क्या थे? पकड़ पकड़। उसके बाद लहर लहर, बतख बतख, अब अब। इन शब्दों को आप इस रेखांकित पर, रेखा पर लिखेंगे। इस शब्द का चुनकर आप पाठ से इन शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे। और आपका, ये तो आपका वर्ग कार्य हुआ, और आपका आज का गृह कार्य, आपका गृह कार्य है अभ्यास पुस्तिका। इन प्रश्नों को आप फिर से दोहराएंगे, अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और उसे याद करेंगे, और उसे याद करेंगे। आपका गृह कार्य में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनसे आपको वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे बतख। तो बतख से एक वाक्य कोई बनाइए। बतख आई, बतख चल, बतख मत पकड़। इस तरह से दो तीन शब्दों के द्वारा आप अपने अभ्यास पुस्तिका में वाक्य बनाकर अभ्यास कर सकते हैं।
इस पाठ से आधारित जो भी प्रश्न उत्तर मैंने ये दिखाया है बताया है इसको अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। और एक और गृह कार्य में आपको स्लाइड के द्वारा ये बताया जाएगा कि आपका गृह कार्य क्या है। आप कल हम जब मिलेंगे अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो हम आपका वर्तनी और श्रुति लेख करवाएंगे। वर्तनी मतलब शब्द, इस पाठ में जो भी कठिन शब्द है जो मैंने रेखांकित करवाई थी उसे पढ़कर याद करना है। और श्रुति लेख मतलब वाक्य लिखना, जो मैं बोलते जाऊंगी आपको वो लिखते जाना है। तो वर्तनी और श्रुति लेख दोनों की कल कक्षा होगी और आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका और पेंसिल लेकर तैयार रहिएगा। कल हम वर्तनी और श्रुति लेख करवाएंगे। आपकी इस गृह कार्य के साथ आपके पास स्लाइड में एक वर्तनी सूची की लिस्ट जाएगी जिसमें इस पाठ के आधार पर कुछ शब्द दिए हुए, उन शब्दों को पढ़कर आप याद कीजिए वर्तनी के लिए और श्रुति लेख के लिए आप पाठ का पाठ वाचन करें। धन्यवाद।